मेरे सारे फ्रेशर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो जो एग्जैक्ट 10 स्टेप्स है जिससे आप डिज़ाइन फील्ड में जॉब पा सकते हो। और अगर आप मेरे ये सीक्रेट 10 फार्मूला का इस्तेमाल करते हो तो आप 40,000 से लेकर 80,000 तक का सैलरी पर मंथ पा सकते हो। अब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा मैकेनिकल के डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर। मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी कैट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं फाउंडर भी हूं फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी का, और मेरा एक मिशन है कि हाउ फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स कम्युनिटी कैन अर्न लॉट्स ऑफ मनी, और ये पैसे आपको पाने हैं डिज़ाइन फील्ड में जॉब करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कितने जल्दी आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हैं, उसको आज देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरा है वो है कि आपको एक गोल कार्ड बनाना पड़ेगा अपने सपने को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, और मेरे सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स, मुझे बहुत गौर से सुनिए, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस बात को लेके। ये वीडियो उन्हीं फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स है जिनमें दम है, जिनमें वो गट्स है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं और बहुत अच्छी कंपनी में काम भी करना है। और क्या करना है आपको, मुझे और आपको बस एक तरह से एक पेज पे आना है। तो अगर आपको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है तो एग्जैक्टली इन स्टेप्स का फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ड्रीम आपको अभी सेट करना पड़ेगा, और वो ड्रीम हासिल करने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका पर्सनलाइज गोल्ड कार अभी के अभी। तो मेरे प्रिय मैकेनिकल इंजीनियर्स, अगर आपका वो सपना है कि जिसमें आप डिज़ाइन जॉब पाना चाहते हो एक मल्टीनेशनल कंपनी में और हाई सैलरी पे, तो ये वेबिनार, ये वीडियो आपके लिए है। ये आपकी लाइफ बदल सकता है, आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो क्या करना है, मैं क्या चाहता हूँ आपसे, बस आपका सपना अभी के अभी आप सेट कीजिए। और वो सपना क्या है, आई वॉन्ट टू बिकम अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। तो वैसा ही कीजिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अभी के अभी एक गोल कार्ड क्रिएट कीजिए, एक पॉकेट साइज पेपर लीजिए और उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए। रिमेंबर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, जैसे स्लाइड पे दिया हुआ उसको चेक कीजिए, आपका नाम लिखिए और उसके नीचे आपका डेजिग्नेशन लिखिए, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। और पीछे साइड में क्या लिखना है, पीछे साइड में आपको आपका मिशन लिखना है, 3 बुलेट बॉक्सेस में, पहला डिज़ाइन जॉब, दूसरा एमएनसी कंपनी और तीसरा 2 लाख सैलरी। देखिए, आप जो इच्छा है आपकी वो सैलरी लग सकते हैं, 40,000, 80,000, 1 लाख। मेरी इच्छा थी कि मैं 2 लाख रखूँ तो मैंने 2 लाख लिख दिए। जिससे भी आपको खुशी महसूस हो वो आंकड़ा आपको लेना है। रिमेंबर, आपको वो जो बुलेट बॉक्सेस है उनको पहले से टिक मार्क नहीं करना। जब आपका पहला मिशन हासिल हो जाए कि आपको डिजाइन में जॉब मिल जाए तो पहले वाले को कीजिए, जब आपको अच्छी एमएनसी कंपनी में मिल जाए तो आप दूसरा वाला कीजिए, और जब आपकी जो मनचाही सैलरी आपने लिखा है वो पा लीजिए तो तीसरे वाले को टिक मार्क कीजिए। रिमेंबर, ये आपको कार्ड डेली देखना है और ये आपके साथ आपको कैरी भी करना है। तो जैसे ही आपका गोल ये अचीव हो जाता है तो इस गोल कार्ड को फाड़ दीजिए, और आपको पता है फिर आगे क्या करना है, आपको नया गोल कार्ड क्रिएट करना है। देखिए दोस्तों, जितना बता रहा हूं ना उतना ही सिंपल है। अगर आपने गोल कार्ड आज क्रिएट कर लिया और उसमें अगर बना लिया है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग सही में सीरियस है। हेलो, आपके गोल कार्ड को कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है तो एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो राइट नाउ वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, अपना गोल कार्ड बना लीजिए, एकदम फुल प्रूफ टेस्टेड फॉर्मूला है और ऐसे अमेजिंगली काम करेगा। तो मेरे प्रिय मैकेनिकल फ्रेशर इंजीनियर्स, ये आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है, इतनी ताकत है इसमें। और मैं जो कह रहा हूँ इसका मैं आई एब्सोल्युटली मीन इट। तो मैं आपका गोल कार्ड देखना चाहता हूँ उसमें कमेंट बॉक्स में, तो वीडियो देखना भी बंद कीजिए और राइट अवे आपके कमेंट्स के लिए मैं वेट कर रहा हूँ टू सी योर गोल कार्ड। ओके दोस्तों, मैं विश्वास रखता हूँ कि आपने बिल्कुल ये गोल कार्ड अपना डेफिनेटली डाला होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मुझ पे विश्वास रखिए, ये फॉर्मूला यूज करके बहुत सारे फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट एमएनसी कंपनी में जॉब पाया है और बहुत ज़्यादा सैलरी भी वो पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इसके गोल कार्ड के पावर को नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आपने अभी अब तक गोल कार्ड क्रिएट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अभी के अभी आप इसको क्रिएट कीजिए। अदरवाइज आपका सपने को पाना ये आपका एक सपना भर रह जाएगा। ये एकदम फुल प्रूफ टेस्टेड फॉर्मूला है, अभी तो अभी, नहीं तो फिर कभी नहीं। इस फॉर्मूले को ये कीजिए, इस टास्क को, इस कार्य को अभी के अभी खत्म कीजिए, जैसे नाइकी कहता है, जस्ट डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड फार्मूले की तरफ। सेकेंड फार्मूला क्या है, टॉप 100 कंपनी। देखिए, आपने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिखा है कि आपको जॉब पाना है एक बड़ी एमएनसी कंपनी में। तो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं टॉप 21 मैकेनिकल कंपनी, जैसे L&T, टाटा, TCS, रिलायंस, महिंद्रा, बजाज और बहुत सारे नाम हैं।
अभी आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है 100 टॉप मैकेनिकल कंपनी के नाम, अभी नहीं करना है, वीडियो पहले खत्म कर लीजिए, लेकिन एक बात समझिए आपको करना क्या है। आपको इन कंपनीज के वेबसाइट पे जाना है और सर्च करना है कि वो कौन से सेगमेंट में काम करते हैं, किस चीज़ में एक्सपर्ट है और अभी वो क्या कर रहे हैं। जब आप ये 100 कंपनीज फाइंड आउट कर लीजिए ना, तो उनके लिस्ट को देखिए विद फुल कॉन्फिडेंस और कहिए कि आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस टॉप कंपनीज। देखिए, गौर से सुनिए, ये ना आपके मिशन को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, आपको ऐसी एनर्जी देगा, आपको डायरेक्शन देगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम टेलिंग यू, इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो अभी के अभी गार्ड बांध लीजिए, पक्की गार्ड बांध लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो हीरो के लिए काम कर रहे हैं, गोल्ड पे सोने पे सेटल मत हो जाइएगा। तो मैं जो कह रहा हूँ कि अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में जॉब करना है और बहुत सारा पैसा अगर आपको पाना है, तो मुझे एक बात बताइए कि ये सुनने में कैसा लगता है कि मैं तो एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरा ड्रीम भी है कि टॉप एमएनसी कंपनी में मुझे काम करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ये कंपनीज के नाम क्या है। कैसा अच्छा लगता है क्या? एब्सोल्युटली नहीं, एकदम ही बकवास लगता है, एकदम नॉनसेंस लगता है। तो मुझे एक बात बताइए कि एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर कैसे अपने सपना जो ड्रीम जॉब है उसको पा सकता है? तो अभी के अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको कीजिए, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद ये टास्क को पूरा आपको कंप्लीट करना है, और ये जो 100 मैकेनिकल कंपनीज हैं इनके नाम आपको पेस्ट भी करने हैं मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद मैं भी अश्योर हो जाऊंगा कि हमारे सारे जो मैकेनिकल इंजीनियर के दोस्त हैं वो सही राह पे हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं यकीन करता हूँ कि आप ये टास्क को करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा कि ये टास्क आप जब कंप्लीट करोगे ना, आपको बहुत सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन दे देगा, इनसाइट दे देगा अबाउट द टॉप 100 मैकेनिकल कंपनीज। तो आप हैं मेरे साथ, लंबा वीडियो है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में एज मिशन अकम्प्लिश्ड। अभी के अभी वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और लिखिए मिशन अकम्प्लिश्ड इन द कमेंट बॉक्स। आई वॉन्ट टू सी द कमेंट राइट नाउ, मैं अभी आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं विश्वास रखता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तीसरा जो फॉर्मूला है, सबसे अहम फॉर्मूला है इस सारी 10 फॉर्मूला की कड़ी में, दैट इज आपको क्रिएट करने हैं 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट, एक पोर्टफोलियो बनाना है। मेरे मैकेनिकल फ्रेशर्स इंजीनियर्स, विश्वास रखिए कि दिस इज द टॉप मोस्ट और ये सबसे बड़ा की फॉर्मूला है टू क्रैक द इंटरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले उन 100 टॉप मैकेनिकल कंपनीज में, तो आपका आपका खुद का प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो होना चाहिए। याद रखिए, कंपनियां सिर्फ टैलेंट को हायर करती है। तो ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या है, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये ऐसा ही है जैसे आपने अपने कॉलेज के वाइवा क्लियर करने के लिए, मॉक टेस्ट करने के लिए किया था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेस्ड है। देखिए, हर एक इंडस्ट्री इसको तीन प्रकार करती है, क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए, क्लाइंट भी अपने पोर्टफोलियो बेचते हैं कि उनको किस प्रकार का काम हासिल करवाना है, और दोनों पार्टियां कभी कभी इन दोनों को प्रोजेक्ट्स को पोर्टफोलियो का एक्सचेंज करती है, तो एग्जैक्टली समझने के लिए कि प्रोजेक्ट का वर्क स्कोप क्या है। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप सारे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें और ये लिखिए कि 250 प्लस प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो आपको बनाना है और उसके आगे आपका नाम डाल लीजिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आप ये सारे प्रोजेक्ट्स कैसे कवर करने वाले, मैं आपको जल्दी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप जाइए कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के और लिखिए 250 प्लस प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, आपका नाम का मेंशन जरूर कीजिएगा। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर आप करोगे ना तो बहुत आपको फायदा होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और जल्द से जल्द लिखिए आपकी 250 प्लस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो, आपका नाम डालना मत भूलिएगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप में से बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, अभी आपको पता चला एक ऐसा की सक्सेस फॉर्मूला जिससे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं 100 मैकेनिकल कंपनीज में। तो अभी फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए, अपनी आँखों का थोड़ा सा चंबू खोलिए और उससे आप देखिए कि आपके पास 250 प्लस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है। तो मैं जो कह रहा हूँ आगे बढ़ के वो कीजिए, 5 सेकेंड के लिए आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आपको ये 250 प्लस प्रोजेक्ट का नॉलेज आ गया है। ज़रा सोचिए, इमेजिन कीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको, आप बहुत ही जल्द स्टार बन जाएंगे आपके डिज़ाइन प्लेस पे। अभी वीडियो को ज़रा पॉज कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसको कीजिए, 5 सेकेंड के लिए आँखें बंद करके इमेजिन कीजिए। कैसा लग रहा है दोस्तों, है ना अमेजिंग, क्या फीलिंग आता है। ये जल्द ही सपना आपका पूरे होने वाला है। उससे आगे चलिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ देखते हैं। देखिए, चौथा जो फॉर्मूला है ना वो है कि आपको जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है वो बनाना है ये टॉप सॉफ्टवेयर जो लिस्ट मैंने दिया है वो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए। तो सॉफ्टवेयर्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन ऐसे कुछ आपको डिमांडिंग सॉफ्टवेयर का लिस्ट मैं दे रहा हूँ, उसको आप डायरी में नोट डाउन कर लीजिए।
तो अगर आपको ये टॉप 100 मैकेनिकल कंपनीज में काम करना है तो आपको ये 100 मैकेनिकल इंजीनियर्स में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं इसके बारे में आपको पता करना है। तो क्या करना है आपको, आप जाइए गूगल सर्च पे और इन सारे सॉफ्टवेयर्स के लिंक आइडेंटिफाई कीजिए। मुझ पर विश्वास रखिए, ये बिल्कुल ही गेम चेंजर है आपके लाइफ का। एक छोटा सा आपको मैं हिंट देता हूँ, देखिए क्या करना है कि आपको क्यों आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ कि वेबसाइट लिंक जाके आइडेंटिफाई कीजिए। इससे आप ना बन सकते हैं एक्सपर्ट डिज़ाइन इंजीनियर्स। आपको 3D डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स करने आएंगे, आपको ये पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग 2D ड्राइंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं, काइनेमेटिक और मैकेनिज्म एनालिसिस और असेंबली, कैसे आपको FEA का एनालिसिस प्रोजेक्ट FEA एनालिसिस के प्रोडक्ट होते हैं, और प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट कैसे होता है। तो अभी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, वेबसाइट लिंक पे जाइए और ये सारे सॉफ्टवेयर ढूंढिए, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं ट्रस्ट करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आपने बहुत बढ़िया काम किया है, इस वीडियो का जो हर फॉर्मूले बताए वो फॉलो किए। मैं अभी आपको ये वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको एक पूरा डिटेल में टास्क दूंगा जिसको आपको बाद में करना है। देखिए ये क्या करेगा, ये आपको पूरी डायरेक्शन देगा कि आपके सपने को, आपके गोल को कैसे हासिल करना है जल्द से जल्द। तो उसके पहले चलिए आगे बढ़ते हैं नए फॉर्मूला की तरफ। देखिए पाँचवा जो फॉर्मूला है ना वो है अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूचर अबाउट दिस फील्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड, और कितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है डिज़ाइन इंडस्ट्री में। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें, विजुअलाइज कीजिए कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है मैकेनिकल इंडस्ट्री में। इमेजिन कीजिए स्लाइड को देखते हुए, जो स्लाइड आपको स्क्रीन पे देख रही है, किसी भी कोने में देखिए और इमेजिन कीजिए कि आप इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई भी कॉर्नर में देख के आप जोर से कहिए कि आई एम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर ऑफ ऑटोमोटिव डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, आई एम अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स, मैं इंडस्ट्रियल फैक्ट्री डिज़ाइन प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी दोस्तों इस मोदी गवर्नमेंट के अंदर 3.2 ट्रिलियन पहुँच चुकी है और जल्दी 5 ट्रिलियन भी पहुँचने वाली है। तो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का रोल बोलूँ तो इस देश में बनाने में बहुत ही कारगर वो सिद्ध होगा। 100% FDI भी इसमें खुलने वाला है और इसका नतीजा क्या होने वाला है, बहुत सारे मार्केट्स में जॉब आने वाले हैं। तो आगे बढ़ के देखते हैं 6th फॉर्मूला क्या है। देखिए जो 6th फॉर्मूला है बहुत ही अहम है, इसमें आपको नेवर गिव अप करना है। द फॉर्मूला इज डोंट क्विट एंड फाइट फॉर योर डेस्टिनी। तो 3 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ जिससे जिंदगी आपकी पूरी तरह से बदल सकती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू गेट यू इनटू द एक्शन। अगर आपने ये स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपको गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल जो है वो यही पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं। और मैं हार मानना का मतलब ये समझता हूँ कि अपना सपना आपने वहीं पे एंड कर दिया। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 3 स्टेप्स क्या है। देखिए ये जो 7वां फॉर्मूला है ना, ये अबाउट एक्शन है, अबाउट कन्वर्टिंग योर ड्रीम इंटू गोल एंड अचीविंग दैट गोल बाई टेकिंग एक्शन। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ना जो मैकेनिकल डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर है ना वो एक्सपर्ट से सीखने हैं। फिर जब आप इनको सीख रहे हो तो प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी आपको लेना है जब ये सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। और फाइनली इस तरह से तैयारी कीजिए कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो आसान तो बहुत है लेकिन बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स के पास वो साहस नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जिससे वो अपने सपने को पूरे कर सके। लेकिन ये आपके लिए सबसे सही समय है कि अगर आपके पास वो साहस है, वो गट्स है, तो आप भी आपके एक ड्रीम को कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इसको पा सकते हैं। तो ज़ोर से बोलिए कि मैं अपना गोल कार्ड रोज देखूंगा और मैं वो सारी एक्शंस करूंगा जिससे मेरा सपना पूरा हो। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये अरे यार ये एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है किधर, एंड हाउ कैन आई क्रिएट ये 250+ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी आपको पूरा आंसर्स भी दूंगा। लेकिन उसके पहले मुझे एक बात बताइए, क्या अभी तक आपने ये वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो क्या आपको इसमें समझ आया और क्या आपको वैल्यू मिली कि नहीं। मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यू मिला है। तो अभी जाइए वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए वैल्यू, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या लेसन इसमें से क्या मिला उसको टाइप कीजिए। तो जल्दी से जल्द हरी अप दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप ये कमेंट बॉक्स में आपका वैल्यू डालेंगे और क्या वैल्यू आपको अभी तक मिला। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल कमेंट कर रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू इस वीडियो में मिला होगा। दोस्तों मैं फाउंडर भी हूँ एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कम्युनिटी का, और ये मेरा मिशन है कि एवरी फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर शुड अर्न लॉट्स ऑफ मनी बाय वर्किंग इन अ डूइंग अ जॉब इन अ डिज़ाइनिंग फॉर्म। तो आप ये सारे वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, बनिए मेरे कम्युनिटी का पार्ट और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे यकीन है कि आप ये वीडियो शेयर करेंगे अपने सारे मैकेनिकल इंजीनियर दोस्तों के साथ, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बहुत ही श्योर हूँ कि यू विल शेयर दिस वीडियो।
नाउ अभी देखते हैं कि कौन है ये एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दैट विल अलाउ यू टू क्रिएट मोर देन 250 प्लस प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो। बट बिफोर दैट मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ, मैं आपके थॉट्स के ऊपर अभी आना चाहता हूँ। देखिए मेरी तरफ बहुत ध्यान से सुनिए, एक गलत विचार, एक गलत आपकी धारणा आपको आपके ध्येय से चुका सकती है, आपका जो अल्टीमेट डेस्टिनी जो नसीब है वो पाने से आपको रोक सकती है। हाँ दोस्तों मैं सही कह रहा हूँ, एक गलत विचार, एक गलत धारणा, एक गलत लिमिटिंग बिलीफ आपको चुका सकता है आपकी डेस्टिनी हासिल करने से। तो मैं वो सारे चीज़ों को आज इसी वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूँ और उसके लिए मेरा एक फॉर्मूला है एड्रेसिंग योर बिलीफ, आपके विश्वास, आपकी धारणाएँ, आपके विचार। देखिए दोस्तों इस देश में करीब करीब 1.25 लाख इंजीनियर्स, फ्रेशर इंजीनियर्स तैयार होते हैं हर साल। तो मेरा ये मानना है कि ओनली डिग्री इज़ नॉट इनफ, और मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये असलियत है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये आपको इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल स्किल दे ही नहीं रहा है। ऐसा कोई डिग्री नहीं बनाया कि जो आपको स्ट्रेट अवे एज अ फ्रेशर 1 लाख का सैलरी का जॉब देगा। तो मेरे प्रिय मैकेनिक के दोस्तों, आपकी डेस्टिनी अगर आपको अचीव करनी है तो वही चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो मैकेनिकल इंडस्ट्रीज की कंपनी है ना, जो टॉप कंपनीज है, ये एक रुपया भी स्पेंड नहीं करते आपके ट्रेनिंग के ऊपर। उनका मानना सिंपल है कि अगर आप मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो आप स्किल होके आइए। उनका एक ही रूल है, स्किल इज इक्वल टू मनी, और इतना ही आसान है। अगर आपके पास स्किल है तो आप आइए, आप जितना आपका स्किल होगा उतना ज़्यादा आपका सैलरी होगा। तो समझ गए ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 9th फॉर्मूला है अवॉइड मिस्टेक्स, आपको गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो इसके पहले के बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने किया हुआ है, वो सारी मूर्ताएँ आपको अवॉइड करनी है। मेरे सारे प्रिय मैकेनिकल इंजीनियर्स अभी थोड़ा सा जाग जाओ, बहुत हो गया, लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया है, बहुत सारे लोग अभी भी डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि अरे कंपनी है वो, ट्रेनिंग है वो, मेरे इंस्टीट्यूट है जो बहुत मेरे घर से दूर है। तो दोस्तों ज़रा फर्ज कीजिए कि आपको एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब लगा और फिर आप बोल रहे कि नहीं नहीं वो कंपनी तो मेरे घर से बहुत दूर है। अरे दोस्तों ध्यान से सुनिए, आपने तो कहा था कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, तो अगर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है आपको तो बेस्ट मैकेनिकल कंपनी में काम करना चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो अगर आपको आपका डेस्टिनी हासिल करना है तो आपको आपके घर से निकलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि अभी के अभी आप फॉलो कीजिए मेरे स्टेप्स को और अपने गोल को अचीव कीजिए। तो अगर आपको एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऐसा खोजना है कि जिसमें 250 प्लस प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल लेवल का नॉलेज आपको दे, जो आपको इंटरव्यू क्रैक करा सके, तो आपको इंस्टीट्यूट पर जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट तो आपके घर पर आएगा नहीं। तो याद रखिए कि यही एक सक्सेस फॉर्मूला है, और मैं जो कह रहा हूँ यकीनन उस पर विश्वास रखिए कि आप जहाँ पे भी हो घर से बाहर निकलिए और एक्शन लीजिए। देखिए रास्ते आपको मिल ही जाएंगे, जिंदगी दोस्तों अपना रास्ता खुद ढूंढी लेती है। तो मेरे प्रिय मैकेनिकल इंजीनियर्स, अपनी ज़िंदगी को वो ताकत दीजिए कि वो अपना रास्ता ढूंढी ले। बहुत सारे लोगों को ये और एक गलत फहमी है कि ये सारा सीखना है ना बड़ा एक्सपेंसिव है। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, अभी तक आपके एजुकेशन पे आप कितना खर्च कर चुके हैं और क्या मकसद था इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने का? आप ही आज ही आपको आपके माइंड में ये डाउट्स और ये सारा क्लैरिटी लाना होगा कि दोस्तों एक बात समझिए, कोई भी अच्छी चीज़ है जिससे आपको ह्यूज रिटर्न मिल सकते हैं वो फ्री में नहीं आएगी। तो अगर आप फ्री के नॉलेज के पीछे अगर पड़े हो ना तो आप कभी आपका ड्रीम अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आप खुद में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ह्यूज आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो मेरे प्रिय मैकेनिकल इंजीनियर्स, इज अ टॉप सक्सेस फार्मूला, सारी दुनिया भर के इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, यही सक्सेस फार्मूला है, अभी के अभी इसको लिखिए। बहुत सारे मित्र मेरे प्रिय फ्रेशर्स आके कहते हैं कि अरे सर मैंने तो सॉफ्टवेयर कमांड सीख लिए हैं, मैंने यूट्यूब वीडियो से सीख लिया है। तो खुद से ही एक सवाल पूछिए, एक बहुत बड़ी मैकेनिकल कंपनी वो आपको क्यों हायर करेगी? आपको अगर सिर्फ कमांड आते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, बहुत बड़ी आपकी मिस्टेक है जो आपके नसीब से आपको चुका सकती है। अगेन फिर से सोचिए खुद के ऊपर, क्या आप एक बड़ा प्रोजेक्ट या बड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट या फैक्ट्रीज आप डिज़ाइन कर सकते हैं बस सॉफ्टवेयर नॉलेज, सॉफ्टवेयर के कमांड्स आने के लिए? तो दोस्तों एक बात गौर से समझिए कि सॉफ्टवेयर कमांड से ना इसका मतलब नहीं होता कि डिज़ाइनिंग है। तो अगर सॉफ्टवेयर जो कमांड से वो बस एक हेल्पिंग टूल है, और यही से सारी डिफरेंस स्टार्ट होता है कि अगर एक डिज़ाइन करना है आपको एक रियल प्रोजेक्ट तो बहुत ही अलग चीज़ है वो। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आपके सिर्फ कॉलेज में सीखे हुए या यूट्यूब से पढ़े हुए वीडियो पर निर्भर रहें। आपको इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट सॉल्व करने हैं, अगर आप वो कर सके तभी वो कंपनी आपको हायर करेगी। तो खुद से बार बार पूछिए, अंदर ही आपको जवाब आएगा और आपको पता है फिर आगे क्या करना है। बहुत सारे लोग इसलिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि उन्होंने एक धारणा बना ली कि मार्केट में जॉब्स किधर है, वो किधर से किन्हीं निगेटिव लोगों से सुन के आते कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं है। तो दोस्तों ज़रा नज़र घुमाइए,
पूरे ग्लोब में आपके शहर में कहीं पे भी देखिए, आपके डाइनिंग टेबल से लेके घर से लेके घर से बाहर कहीं पे भी आप जाइए, आपकी आंखें आपने क्यों बंद रखी है? कौन इतने सारे मैकेनिकल के प्रोडक्ट्स है, वो कौन डिजाइन हो गया? हवे में डिजाइन हो गया क्या? आपको क्या लगता है कोई डिजाइन इंजीनियरिंग वहां पे नहीं हो रहा है? अरे आज के इंडस्ट्री में तो कंपटीशन है कि नए नए आइकनिक प्रोडक्ट बनाने हैं, पूरी दुनिया को उसी में मजा आता है कि यार मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, सारी स्पर्धा सारी कंपटीशन उसी के लिए चल रही है। तो जागो मेरे प्रिय मैकेनिकल फ्रेशर्स, अभी तो जागो, ये सारी छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स मत करो। एक नए नियर बाय इंस्टीट्यूट में जाते हैं आप, एक छोटा सा कोर्स लगाते हैं जो सस्ते में होता है, सिलेबस नहीं देखते, सर्टिफिकेशन का वैल्यू नहीं पता करते। मुझे नहीं समझ में आता कि हम इंजीनियर्स ये इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। अरे आप प्रोडक्ट्स को तो देखो, आप कार को देखो, एरोप्लेन को देखो, सैटेलाइट मशीनरी कंज्यूमर प्रोडक्ट, इन सारे प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है क्या? आप है मेरे साथ? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे हम मैकेनिकल इंजीनियर्स तो यहां के विश्वकर्मा है, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्या नॉलेज एरिया लगेगा? आपको ये समझना पड़ेगा कि आईआईटी में सीखना और आपके कॉलेज में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आपको टॉप 100 मैकेनिकल कंपनीज में काम करना है तो आपको बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो अभी हम देखते हैं कि विच इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और वो इंस्टीट्यूट में कैसे आप 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो कैट सेंटर डिजाइन स्टूडियो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। और ये क्यों सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट है इसके बारे में अभी गौर से सुनिए। देखिए ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, 250 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनवा के लेता है, आपको पूरा एक्सपर्ट कर देगा सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, बताएगा कैसे 250 प्लस प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट तैयार होते हैं। आपको आपके जेब में आपके हाथ में जब ये पोर्टफोलियो रहेगा ना, इसमें 250 से ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रहेगा, क्या कॉन्फिडेंस आएगा आपको, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। तो ये जो सारा सिलेबस है वो बेस्ट इंडस्ट्रियल सिलेबस है और यही आपको एक्सपर्ट बनाएगा डिजाइन इंजीनियर में। तो अगर आपको तैयारी करनी है और अगर क्रैक करना है टेक्निकल इंटरव्यू तो बहुत जरूरी हो जाएगा। तो यही वो एग्जैक्टली वही सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है जो आपको मैकेनिकल का प्रोडक्ट का डिजाइन इंजीनियर बना सकता है। इसके कोर्स के अंत में आपको पोर्टफोलियो आपके जेब में होगा और आपको बहुत बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब भी लगाएगा। तो दोस्तों विश्वास रखिए, एनरोल कीजिए इस कोर्स में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि देखिए ये जो कोर्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ये टॉप सर्टिफिकेशन कोर्स है, पूरा अप्रूव्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और उसके ऑथराइजेशन बॉडी से, एंड दिस इज द टॉप सर्टिफिकेट दैट इज एक्सेप्टेड बाय द इंडस्ट्री। देखिए आप सर्टिफिकेट को अगर गौर से देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको लोगोस दिखेंगे NSDC, मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और सारे लोगोज हैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में। कैट सेंटर ये जो है ना, इट इज एसोसिएट विद ऑल इंडस्ट्रियल नॉलेज बॉडीज। ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, इट इज क्रिएटेड बाय जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड वेरियस नॉलेज बॉडीज ऑफ इंडस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज। ये जो कोर्स सर्टिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली क्या स्किल रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो ट्रेनर्स हैं वो भी बहुत बेहतरीन हैं, सारों ने अपने इंटरनल TCA एग्जाम पास किए होते हैं, इन्होंने प्रैक्टिकल टेस्ट पास किए हैं, इनके कम्युनिकेशन के मॉक्स होते हैं, बिहेवियरल स्किल्स के एग्जाम होते हैं, ये T3 सर्टिफाइड होते हैं। और आगे अगर बात करूँ कैट सेंटर के बारे में तो एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कंपनी है, मोर देन 1000 आउटलेट्स है, 50 कंट्रीज में प्रेजेंट है। मैं बहुत ही एक्टिव मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन का और मुझे बहुत ही अभिमान है और गर्व है कि ये जो कंपनी है वो पायोनियर है, सबसे पहली जो कंपनी जिसने कैट टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया। तो पिछले 32 सालों में इस कंपनी ने करीब करीब 15 लाख इंजीनियर्स को स्किल और एम्प्लॉय किया हुआ है। ये एक ऑथराइज सॉफ्टवेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट और NSDC एफिलेटेड है, ISO सर्टिफाइड है, MSC सर्टिफाइड है। इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी बड़ी खास है, इनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है कंप्लीटली इंडस्ट्री टीचिंग मेथोडोलॉजी है, मतलब टीचिंग ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम डे वन ऑफ द क्लास। तो इनके यहाँ पे फिजिकल प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी होता है, हर एक प्रोजेक्ट जो आपको सॉल्व करोगे आपको भी साइन करना है, ट्रेनर भी आपका असेसमेंट करेगा हर दिन। सिलेबस में लिस्टेड हुआ तो कोई प्रोजेक्ट आपको सॉल्व होगा, ERP सिस्टम है जिससे आपकी सारी बैचेस वगैरह सारा ट्रैक होगा। कैट सेंटर की फैसिलिटीज़ के अगर बाद में बात करूँ तो ये सब्सिडीज देते हैं टैक्स में, सॉफ्टवेयर और बुक्स में, कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल है और अफोर्डेबल करने के लिए पेमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, SBI बैंक के साथ भी टाई अप है। 4 लोकेशंस में पुणे में प्रेजेंट है, ट्रेनिंग जो फैसिलिटीज है वो क्लासरूम है, ऑनलाइन है, और आप दोनों मिक्स करके हाइब्रिड भी कर सकते हो। 7 दिन ओपन रहता है, आप कोर्सेज के बीच में ब्रेक भी ले सकते हो। और सबसे खास बात ये है कि अगर आपको चाहिए आपको पर्सनल ट्रेनर भी असाइन कर सकते हैं विद इंडिविजुअल ट्रेनिंग। देखिए
ये जो सेंटर्स है ना, इसके बहुत ज़्यादा कस्टमर है जिन्होंने 5-स्टार रिव्यूज़ दिए। तो आप सोशल मीडिया पे, जस्ट डायल पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और ये जो ओपन दिया हुआ नंबर है स्लाइड स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर catcenterdesignstudio.com, और फिर फॉलो भी कर सकते हैं #catcenterdesignstudio। अभी जो सवाल जो हर कोने से मुझे पूछा जाता है, हर स्टूडेंट मुझे पूछता है, वो है सवाल प्लेसमेंट के ऊपर। हाँ, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये बिल्कुल जॉब असिस्टेंस आपको देगा, इंडस्ट्री के दरवाजे आपके लिए खोलेगा, लेकिन एक बात याद दिला दूँ कि ये पूरा आपके ऊपर निर्भर है कि आपने आपकी स्किल्स को कैसे पॉलिश किया हुआ है। एक बात याद रखिए, अगर आपने आपकी स्किल्स को पॉलिश किया हुआ तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। उगते सूरज को कोई रोक सकता है क्या? इतना ही आसान है। तो क्लियर हो गई सारी बात। अभी और एक रियलिटी की बात करता हूँ। मेरे प्रिय फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स, मुझे यकीनन पता है कि जो टॉप 100 मैकेनिकल कंपनीज है ना, वो फ्रेशर्स को हायर नहीं करती, लेकिन चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। पहले साल में जो कोई जॉब मिले डिजाइनिंग में, 12,000 से लेकर 18,000 तक का सैलरी मिलता है, आप उसको ले लेना है और एक साल का एक्सपीरियंस पा लेना है। ध्यान से सुनिए, पहले ना आप एक साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लीजिए और आपके सारे दरवाजे फिर एमएनसी कंपनी जो टॉप एमएनसी कंपनीज है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो अभी आपका एक टास्क है जो रिमेनिंग है, उसको आपको याद दिलाता हूँ। इट इज़ अ टास्क अबाउट द सॉफ्टवेयर वेबसाइट लिंक। तो क्या करना है आपको, हर एक सॉफ्टवेयर लिंक के ऊपर जाइए और 2 घंटा स्पेंड कीजिए। हाँ बिल्कुल, हर सॉफ्टवेयर लिंक के ऊपर 2 घंटा स्पेंड कीजिए। और क्या नोट डाउन करना है आपको, कि सॉफ्टवेयर किस लिए बना हुआ है, आपको क्या मिला, वो जो भी आपको सर्च करने पे मिला उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। और मुझे यकीन है कि आप उस रास्ते पे हैं कि जहाँ पे आपका गोल से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। और एडिशनल 10 आर डालिए, इन कंपनीज़ के वेबसाइट पे जाइए और सर्च कीजिए कि अभी वो कंपनियाँ क्या कर रही हैं, किस चीज़ में एक्सपर्ट है, कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स उन्होंने अभी तक लॉन्च किए हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स कम्प्लीट किए हैं, और इसको आपको इमीडिएटली करना है। देखिए, मैं फाउंडर हूँ फ्रेशर्स मैकेनिकल कम्युनिटी का, और मेरा ये ध्येय, मेरा ये लक्ष्य है कि हर एक मैकेनिकल फ्रेशर इंजीनियर जिसको डिज़ाइन में जॉब करना है, उसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और उसको डिज़ाइनिंग में अगर जॉब चाहें तो मैं इन सारों की मदद करना चाहता हूँ। तो आप भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, हम सारे इकट्ठा इसमें कर सकते हैं। तो इसको शेयर करना चालू कीजिए, जो वीडियो लिंक है आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक वॉल पे डालिए, आपके दूसरे फ्रेशर मैकेनिकल फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए, और मैं यकीन रखता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, बाय बाय, मैं कौस्तुभ पानसे। कोई भी अगर हिचकिचाहट हो मन में, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में डालिए, सारे आपके सवालों के मैं उत्तर दूंगा जब तक पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच।